गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? आज हम हिंदी का गद्यांश पढ़ेंगे। देखिए, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश है, आज हम इनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। गद्यांश को पढ़ते हैं। सबसे पहले छुटकी और उसका घोड़ा, इसी के बारे में पढ़ेंगे। छुटकी 8 साल की है, उसके पास एक घोड़ा है। उसके घोड़े का नाम रॉकेट है। रॉकेट बहुत तेज दौड़ता है। देखिए, दोबारा पढ़ा रही हूँ। छुटकी 8 साल की है और उसके पास एक घोड़ा है। उसके घोड़े का नाम रॉकेट है। रॉकेट बहुत तेज दौड़ता है। इसके आगे क्वेश्चन आंसर है, इसी में से गद्यांश में से छाट कर लिखने हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, छुटकी साल की है, कितने साल की है? 8 साल की है, 6 साल की है या 7 साल की है? ऊपर लिखा हुआ है छुटकी 8 साल की है। इस गद्यांश में से पढ़ के बताएंगे, छुटकी 8 साल की है। तो यहाँ ऑप्शन में 8 है, ये है 8, तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चन 2 है, उसके पास एक खलिस्तान है, क्या है? कुत्ता है, खरगोश है या घोड़ा है? क्या है? घोड़ा। उसके पास क्या है? घोड़ा है, घोड़ा लिखेंगे यहाँ पर। नंबर 3, उसके घोड़े का नाम क्या है, बताइए? चमेली है, रॉकेट है या टाइगर है? यहाँ गद्यांश में देखिए क्या है, उसके घोड़े का नाम रॉकेट है, तो हम इसी में रॉकेट लिखेंगे। ये गद्यांश हमारा कंप्लीट हो गया। हर गद्यांश को ऐसे ही आराम से और ढंग से पढ़े, तभी आप प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।